जिला पंचायत सभागार में रविवार को राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्ट के निदेशक डॉक्टर सत्यनारायण सिंह को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने भगवान धनंतरी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि गोरखपुर और बस्ती मंडल में भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष सोसाइटी द्वारा आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी को जन जन तक पहुँचाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भारी संख्या में फार्मासिस्ट और चिकित्सक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट संघ उत्तर प्रदेश विद्याधर पाठक और राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट के निदेशक डॉक्टर सत्यनारायण सिंह ने कहा। विद्याधर पाठक राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी फार्मेसी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारे यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी फार्मेसी उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक डॉक्टर सत्यनारायण सिंह जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है और इस अभिनंदन के माध्यम से हमारे संवर्ग की जो लंबी समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए हम लोग उनसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि विगत एक साल से हम लोग निदेशक स्तर से जो निदेशालय लेवल पे हमारी समस्याएं हैं उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग थक चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ 94 में जो लोग समायोजित हुए थे उनको समायोजन की लाभ नहीं मिला, जो लोग तदर्थ थे उनका विनियमितीकरण शासनादेश के विपरीत किया गया। 2001 से करना चाहिए था, 2007, 8, 10, 13 में किया गया। हम लोग कम से कम कुछ 60% चिकित्सालयों पे इंचार्ज के रूप में चिकित्सा अधिकारी का काम करते हैं, उसके बदले हमको 75 रुपये मात्र इंचार्ज अलाउंस मिलता है। जब हमारी तनख्वाह 1400 रुपये थी तब भी हमको 75 मिलता था, आज 80,000 रुपये तनख्वाह हो गई तब भी हमको 75 रुपये मिलता है। हम 1,00,000 रुपये 1.5 लाख रुपये सरकार का बचाते हैं, जहाँ चिकित्सा अधिकारी ने वहाँ काम करते हैं। आयुष आपके द्वार गांव-गांव में कैंप लगाना, सरकार की सारी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। 27 वर्षों में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 3,000 रुपये अलाउंस दिया जाए, यहाँ तक कि जो स्थायीकरण नहीं हुए उनके स्थायीकरण किए जाएँ, हमारी वेतन विसंगतियाँ हैं उसको बहाल किया जाए, हमारा प्रारंभिक ग्रेड पे जो है 4200 किया जाए। 23 मई 2014 के शासनादेश में 650 नियुक्तियाँ 14 में की गई थी, 25% पदों पे वेटिंग सूची जारी की जानी थी, आज तक वो सूची नहीं जारी की गई। लगभग 500 पद फार्मासिस्टों के खाली हैं, उनको भरा जाए। हमारी ACP जो ACP हमको 10-16-26 साल पे मिलती है, आज 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया हमको ACP का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को निदेशालय से लड़ते लड़ते थक गए, निदेशक महोदय के सामने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखेंगे, हमको ACP दिया जाए, हमारे समायोजन के भाइयों को समायोजन का लाभ दिया जाए, जिनका विनियमितीकरण शासनादेश के विपरीत हुआ है उनका विनियमितीकरण किया जाए, जो इंचार्ज अलाउंस हमारा 75 है उसको 3,000 किया जाए। ये सब मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आकर के सभी अध्यक्ष मंत्री आज यहाँ माननीय निदेशक महोदय के अभिनंदन के माध्यम से अपनी पीड़ा उन तक दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ पर गोरखपुर में गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल की भारत सरकार द्वारा संचालित आयुष सोसाइटी के द्वारा उत्तर प्रदेश में संचालित जो कार्यक्रम हैं आयुर्वेद को, होम्योपैथ को और यूनानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसे हम भूल चुके हैं उसको एक बार पुनर्जागृत करने के लिए हम मीटिंग लेने आए थे, और जो भारत सरकार से जो बजट
आवंटित हुआ है उसका कितना उपयोग हो रहा है, प्रॉपर जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है।